सफेद बर्फ की चादरों से लिपटे पहाड़, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक स्नोफॉल, किसी को आफत, किसी के लिए बाहर। कश्मीर को यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता। सफेद बर्फ के फाहों ने इस स्वर्ग की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है। श्रीनगर से आई ये तस्वीरें आपके मन को मोह लेंगी। चांदी जैसी सफेद बर्फ ने घरों को अपनी जद में ले लिया है। सड़कें सूनी पड़ी हैं, घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ की शिलाएं बन चुकी हैं। ताजा बर्फबारी ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। बर्फबारी ने गांदरबल को भी मुसीबत में डाल। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। दिया, बर्फ की वजह से सड़कें बंद हो गई। रोड ओपनिंग पार्टी लगातार बर्फ हटाने के काम में जुटी है। स्थानीय लोग भी सड़कों पर बर्फ से जूझते दिखाई दिए। क्या आपने सफेद सड़कें देखी हैं? अगर नहीं तो इन सड़कों को देख लीजिए। अनंतनाग से आई ये तस्वीरें भले ही देखने में खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। हमें प्रेडिक्शन मिली थी कि 30 और 31 को बर्फबारी हो रही है, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है अभी डोरू शहबाद में, तो काफी ज्यादा मुश्किलात है। बाहर लोग नहीं निकल सकते, मार्केट भी बंद है, सारा कुछ बंद है। यहाँ पे बहुत मुश्किलात हो रही है सर, यहाँ पे गाड़ी चढ़ाना और कहीं पे सर हमें बहुत धीमे चलना पड़ता है। अगर कहीं पे थोड़ा सा मामूली ब्रेक मारते हैं सर तो गाड़ी बहुत घूम जाती है। कुपवाड़ा की तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन आम लोगों के लिए मुसीबत है। सड़कों और घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परतें बिछी हैं। कुछ यही हाल उत्तराखंड का भी है। गंगोत्री यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। आज 30 जनवरी 2023 को फिर से बर्फबारी है, ये देख सकते हैं आप। मुखो गांव से बिजली पानी सारा बंद हो चुका है, आवाजाही भी पूरी बंद। एक फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है अभी। और आखिर में बर्फ के फाहों से घिरे इन बच्चों को मस्ती करते देख लीजिए। हमें यकीन है पहाड़ी गानों पर इन बच्चों के ठुमके जरूर आपका मन मोह लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कड़कड़ाती ठंड के बीच दिल्ली समेत उत्तर भारत को बारिश दोबारा भिगो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगर आप एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में हम कोई आज रेनफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जहां पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल रहने की उम्मीद है, और साथ में हिमाचल और उत्तराखंड में हैवी स्नोफॉल भी एक आधी जगह पे होने की उम्मीद है। आईएमडी का कहना है कि नई दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट हो सकती है, हालांकि शीतलहर का असर नहीं दिखेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।